न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। गुटखा बिक्री को लेकर हुआ विवाद, शिक्षकों का 25 सितंबर से होगा मोर्चा। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने पर हुई गिरफ्तारी, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गुटखा बिक्री को लेकर हुआ विवाद, आवरी तहसील के पांगरी में गुटखा बिक्री को लेकर विवाद हो गया। चार लोगों के साजिश में चलते हुए घनश्याम जाधव की शिकायत पर आर्यन राठौड़, ऋतिक राठौड़, सुनील जाधव, अक्षय जाधव के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहित की धारा 118 और 352-351 के तहत मामला दर्ज किया, साथ ही मारपीट की आशंका जताई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शिक्षकों का 25 सितंबर से होगा मोर्चा। यवतमाल में शिक्षक निराधान के लिए अनुचित मानदंड 15 मार्च 2024 के सरकारी फैसलों को रद्द करने की मुख्यत मांग को लेकर अभिभावक के साथ शिक्षकों का मोर्चा बुधवार को लघु अवकाश पर निकाला जाएगा। छात्रों के भविष्य के लिए शिक्षकों को संघों द्वारा आयुक्त संघर्ष में चढ़ बढ़ कर भाग लेने का अपील महाराष्ट्र प्रतिशील प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव आनंद शिंडे ने की। शिक्षक संघों ने चेतावनी दी है कि वे व्हाट्सएप ग्रुप से कोई भी आदेश नहीं लेंगे और न ही कोई जानकारी ऑनलाइन देंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का वाला हुआ गिरफ्तार। नाथगांव में खंडेश्वर तहसील के मंगरूला चौहाल स्थित प्रशिक्षित आश्रमशाले में सहयोग के पद पर नौकरी जलाने के चक्कर में तत्कालीन मुख्य अध्यापक को 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला उजागर हुआ। वही नुरदास भोसले पारदी बेड़ा मघूर तिल का रहने वाला है, जिसकी शिकायत पर मर्दुल्ला चौहान पुलिस थाने में प्रशांत गोरन के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक 1 सितम्बर 2022 को वहीता भोसले के मुख्य अध्यापक प्रशांत खोमरे ने 7 लाख रुपए की मांग करने पर प्रबोलन दिया था कि वह उस स्कूल से रसोइये के पद पर नियुक्ति करेगा। इसी पद महिला ने कहा था कि 7 लाख रुपए से अधिक नहीं दूंगी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त शायद दर्शकों ब्रेक, कम ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, हेलो, नमस्कार, मैं हूं पंकज बिश्नोई और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।